हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब टीम्स के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे उनको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, होने वाले उनके इंटर स्क्वाड मैच को लेकर, जहाँ पर खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। और दोस्तों, हम बात करें तो एक और खिलाड़ी ने पंजाब टीम्स के कैंप को कर लिया है ज्वाइन। तो दोस्तों, क्या पूरी खबर हम बात करेंगे वीडियो में, बने रही हमारे साथ। देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर जो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों, बात करें पंजाब टीम से, पहला मैच हमें देखने को मिलेगा 23 मार्च का। और जैसे कि आज से आईपीएल का आगाज शुरू हो गया है, पहले मैच में भिड़ने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो अब दोस्तों, बात करें इसी के साथ पंजाब टीम अपने कल के होने वाले मैचों को लेकर तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई है। और दिल्ली के खिलाड़ी ने भी पंजाब के जो होम ग्राउंड है मुल्लानपुर का स्टेडियम, वहां पे लैंड कर चुके हैं। और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब दोस्तों, बात करें इसी के साथ पंजाब किंग्स की निगाहें रहेंगी दिल्ली कैपिटल्स के मैच को लेकर के। उसी के लिहाज से पंजाब किंग्स जो खेला गया उनका इंट्रा स्क्वाड मैच, वहां पर खिलाड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हम बात करें दोस्तों शिखर धवन की, देखवा फिर से रंग में दिखे हैं। और शिखर धवन पिछले सीजन में पंजाब किंग्स ने काफी अच्छी खासी तरीके से बल्लेबाजी किया था। उन्होंने हाईएस्ट रन गेटर रहे थे पंजाब किंग्स के लिए बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में। वहीं दोस्तों, बात करें तो एक बार फिर से अर्शदीप सिंह, सैम कुरन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है प्रैक्टिस मैच में। हर्षल पटेल का भी तड़का हमें देखने को मिला इस मैच में। और दोस्तों, बात करें राहुल चहर समेत काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मैच में काफी अच्छे परफॉर्मेंस दी है। लेकिन दोस्तों, हम बात करें एक खिलाड़ी जिन पर सबकी निगाहें रहती हैं, वो है जितेश शर्मा। ये युवा बल्लेबाज और काफी उभरता हुआ खिलाड़ी है, जहां भी बल्लेबाजी करने जाता है अपने शॉट से सबको लुभा देता है ये खिलाड़ी। और दोस्तों, बात करें इनमें किसी भी तरीके का खौफ नहीं है, इनको अपना स्ट्राइक रेट पूरी तरीके से ऊपर रखना पसंद आता है। और इनका ये एक मानना है कि ये जितने भी गेंदे खेले पंजाब किंग्स के लिए या फिर किसी भी टीम के लिए, इनका जो रन है वो बनते रहना चाहिए, ताकि जो टीम है वो भी अच्छे स्कोर पर बढ़ती रहे। तो दोस्तों, बात करें जितेश शर्मा ने भी लगातार 3 छक्के मारे हैं इस इंट्रा स्क्वाड मैच में, जो कि देखना काफ़ी दर्शनीय रहा था। उनके जो शॉट्स थे काफ़ी रचनात्मक थे। वहीं दोस्तों, हम बात करें लियम लिविंगस्टन की, तो उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की और खूब सारा पसीना बहाया है इस मैच में। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटर स्क्वाड मैच में। और इसी तरीके का परफॉर्मेंस पंजाब किंग्स अपने प्लेयर से उम्मीद करे कि आने वाले मैचों भी आईपीएल में दिखाई दे। तो दोस्तों, बात करें पंजाब किंग्स को लेकर, फिलहाल प्रैक्टिस कैंप पे काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और संजय बांगर भी पंजाब किंग्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब दोस्तों, हम बात करें पंजाब किंग्स में जो नया खिलाड़ी ऐड हुआ है आशुतोष शर्मा, उनको पंजाब किंग्स किस नंबर पे खिलाती है, क्या उनको इंपैक्ट प्लेयर के रोल में पंजाब किंग्स उतारेगी या नहीं, ये देखना एक दिलचस्प रहेगा। जैसे कि पंजाब किंग्स के पास शाहरुख खान नहीं है, तो पंजाब किंग्स को काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा हिटर चाहिए, जो कि आशुतोष शर्मा काफ़ी अच्छे तरीके से रोल निभा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा पंजाब किंग्स किसको खिलाती है इंपैक्ट प्लेयर के लिए। आपका क्या मानना है आशुतोष शर्मा के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, बात करें तो क्रिस वोक्स ने पंजाब किंग्स से कैंप को ज्वाइन कर लिया है और हमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बात करें सिकंदर रजा को लेकर के, तो अभी किसी भी तरीके से अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।